माय नेम इज मीना और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यदि ध्यान सिनर्जी एट मोदी केयर। तो आज मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ जिसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी वो है ये अर्बन कलर रेंज का फ्लॉलेस फिनिश ब्यूटी स्पंज। ये कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। मैं ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने इसकी खाली पैकिंग आउटर पैकिंग जो है वो संभाल के रखी थी ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं कि किस तरीके से है। तो इसी प्रोडक्ट का मैं आज रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो के एंड में लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये कुछ इस तरह की इसकी आउटर पैकिंग है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये स्पंज था, क्योंकि मैं इसको आज ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो मैं इसको बाहर निकाल चुकी हूँ। अब ब्यूटी ब्लेंडर का काम क्या होता है कि अगर आप मेकअप करते हैं तो आप फाउंडेशन लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, तो उन सबको आप जब एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसके बाद उसको ब्लेंड करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए चाहिए होता है आपको एक अच्छा सा सॉफ्ट सा ब्यूटी ब्लेंडर। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छा है। मार्केट में आपको बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल जाएंगे, शायद इससे जो है सस्ते वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही है। जब भी आप उसको तोड़ के देखेंगे तो देखेंगे अंदर जो उसके फोम है वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे वो घिसता जाएगा। लेकिन आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ नाउ, डेढ़ साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट, और अभी तक इसकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आया है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इवन कि जो मेरी फ्रेंड्स रही हैं, कुछ एक्वेंटेंसेस रही हैं, वो इसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा लाइट मेकअप किया हुआ है तो मैं आपको अपने फेस पे एग्जैक्टली ये स्पंज टैप करके नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे दूंगी कि आपको इसको किस तरह से अपने फेस पे डैप करना है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने जा रहे हैं तो आपने एक बोल में या मग में जो है पानी ले लेना है और इसको उसके अंदर इस तरह से पूरा डिप कर लेना है। डिप करने का क्या बेनिफिट है? डिप करने का ये बेनिफिट है कि ये जो है अगर अच्छा स्पंज होगा, अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर होगा, तो ये जो है फूल जाएगा और ऑलमोस्ट ये डेढ़ से दो गुना जो है फूल जाता है कोई भी अच्छा अगर ब्यूटी ब्लेंडर हो। फिर आपने इसको अच्छे से निचोड़ देना है लाइक दिस। देखिए पानी निकल रहा है सारा। मेक श्योर कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो पूरा बाहर निकल जाए। और जैसे जैसे ये सूखता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया ये साइज में। जब आप इसको फ्रेश यूज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत पतला है, और जैसे ही आप इसको पानी में डाल देंगे इस तरह से तो आप देखेंगे इस तरह से फूल जाएगा डेढ़ से दो गुना। तो जब ये इस तरह से हो जाए मेक श्योर पूरा पानी निकल जाए, एंड इसको जस्ट कीप इट साइड फॉर अबाउट अ मिनट और टू, एंड देन इट इज़ रेडी टू यूज़। डेढ़ से दो मिनट साइड में रखने के बाद ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस स्पॉन्ज की क्या खासियत है, इस ब्यूटी ब्लेंडर की क्या खासियत है? ये जो प्रोडक्ट की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो बहुत ही कम लेता है। जो लोकल ब्यूटी ब्लेंडर्स होंगे जो सस्ते वाले होते हैं, शायद यू नो 50 रुपीज़ में भी आपको मार्केट में मिल जाएं, उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इस ब्यूटी ब्लेंडर में वो नहीं है। आपने थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है, चाहे वो प्राइमर हो, फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, कोई भी हो। जो अगर आप चीक्स पे लगा रहे हैं या फोरहेड पे लगा रहे हैं तो आपने इसको इस साइड पे लगाना है, और अगर कोई टिप वाली जगह पे लगा रहे हैं लाइक यू नो अंडर योर आईज और मे बी ऑन द टिप ऑफ द नोज, तो आपने ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करना है, और चीक्स वगैरह पे ये वाला पोर्शन, फोरहेड पे ये, नेक पे ये, तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी डैबिंग बहुत कंफर्टेबल है, ये ब्लेंडर आपको चुभता नहीं है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो जब भी आप मार्केट में जाएंगे ना, आप ये कंपैरिजन खुद भी करके देख सकते हैं कि जब आप मे बी 6 महीना या 8 महीना आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो वो अंदर से फटने लगता है, और जो प्रोडक्ट की जो एब्जॉर्प्शन है, चाहे वो फाउंडेशन लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो या प्राइमर लगा रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा लेगा, लेकिन इस स्पॉन्ज में क्वांटिटी कम लगेगी और इवनली आपके फेस पे ये स्प्रेड कर लेगा। तो ये इस ब्यूटी ब्लेंडर की खासियत है। और मेक श्योर कि जब भी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको धो भी दें, अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे वापस रख देंगे तो इन्फेक्शियस हो जाएगी आपकी स्किन। ऑब्वियसली आप एक इन्फेक्शियस स्किन नहीं चाहेंगे।
तो मेरा क्या सजेशन है इसको धोने के लिए, आप जो है एक बाउल में साफ पानी लें और उसमें थोड़ा सा 2 to 3 drops ऑफ टी ट्री ऑयल जो अपने मोदी केयर में भी अवेलेबल है वो आप डाल लें और उसको इसमें 5 to 10 minutes के लिए सोक कर दें, भिगो दें, और उसके बाद इट इज़ ऑल यू नो रेडी टू री यूज अगेन, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीडियो हाउ टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर इन द राइट वे। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड्स सिर्फ ऐसे ही पैकेट में से निकाल के एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग इट, तो वो रॉन्ग एप्लीकेशन है। आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इसको पानी में सोख करके पूरा निचोड़ के फिर आपको इसे इस्तेमाल में लेना है। अब मैं आपको इसकी MRP बता देती हूँ। MRP इज 199 rupees, एंड इफ यू आर अ मोदी केयर कंसल्टेंट ऑफ कोर्स यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट एज वेल। तो आप जाइए, और अगर आप मेकअप के शौकीन हैं तो इस ब्यूटी ब्लेंडर को अपने मेकअप किट में ज़रूर शामिल करें। तो मैं आप सभी को मिलूंगी अपने अगले वीडियो में विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी प्रोडक्ट पे जो है वीडियो बनाऊँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे वो मैंशन कर सकते। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।